यहाँ पे मैं पूजा उजा कर ली हूँ और राम भगवान के आने की खुशी में मैंने देखो 5 दीप भी चलाया, मिठाई चढ़ाई, फूल माला अगरबत्ती से मैंने स्वागत किया राम भगवान का। और आप लोग बताना कि आप लोग ने कैसे किया और मुझे जो समझ में आया जैसे आया मैं उसे कह ली, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मैंने ठीक किया है कि नहीं। और हम लोग तो एकदम फुल इंजॉय किए और दिवाली पटाखे फुलझड़ी वगैरह फोड़े और सारे घर वर को सब लगियों से सजाए हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा कि मतलब जो है अब तो साल में 2 दिवाली मनाई जाएगी और काफ़ी काफ़ी खुशी मिली, सब लोग बहुत खुश थे। और अच्छा भी लगा कि मतलब राम भगवान अपने घर में आ गए, इतने सालों की वर्षों की तपस्या पूरी हुई और राम भगवान भी अपने घर में खुश रहें और क्या चाहिए। और हम लोग भी खूब खुश हुए राम भगवान को देख के कि चलो राम भगवान अपने घर में आ गए। और काफ़ी अच्छा लगा, अयोध्या तो नहीं जा पाए लेकिन अपने घर में ऐसा फील हुआ कि जैसे सच में हम लोग अयोध्या में ही बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लगा देखने में। और यहाँ पे हम छत पे आ गए हैं और हमारे आज थोड़ी सी धूप हुई है और ये दूसरे दिन का क्लिप है, उस दिन का नहीं है। तो यहाँ पे धूप हुई थी और तो मैंने सारे कपड़े उपड़े लेके छत पे आ गए, मैंने कहा चलो वहीं फैला भी दूंगी और आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा है हमारे यहाँ का। और देखो सूर्य भगवान भी निकल गए हैं और काफ़ी अच्छी धूप निकल गई थी और थोड़ा ठंड भी कम हो गया है। और देखो सबके छत पे कैसे झंडा लगा हुआ है और सबके छत पे आपको लोग को दिखेगा झंडा लगा हुआ है और अपने घर को भी सब लोग सजाए हुए थे, रात में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अनवियर्ष में सब स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस में चले गए थे, तो मैंने कपड़े वपड़े लेके सब छत पे आ गई हूँ और अब यहीं छत पे कपड़े फैला के फिर नीचे जाऊँगी। अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, बस पूजा वूजा करके नहावा के कपड़े वपड़े धो के आ गई छत पे। मैंने कहा चलो कपड़े फैला देती हूँ, सूख जाएगा नहीं तो नीचे कपड़े सूखते नहीं और कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और छत पे जल्दी आने का मन नहीं करता क्योंकि इतना ऊंचा है कौन चढ़े। लेकिन मैंने कहा चलो आज धूप हो रही है छत पे चलते हैं डाल देते हैं तो सारे कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो बिखरे बिखरे पड़े रहते हैं, यहाँ से उठाओ वहाँ से रखो और ऐसे में दाग धब्बे भी लग जाते हैं कपड़े में। तो और धूप भी थोड़ा सेक लेंगे, बॉडी में धूप भी लग जाएगी। और फिर मैं नीचे आ गई और आने के बाद मैं यहाँ पे जो है मेरा व्रत था तो मैंने मूँगफली और चाय पी रही थी और व्रत के दिन मैं बड़े वाले ग्लास में चाय पीती हूँ क्योंकि चाय की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है उस दिन। और चाय मूँगफली का नाश्ता हो जाएगा, फिर दोपहर में कुछ बना दूँगी जो है बनाऊँगी फिर खाऊँगी। और यहाँ पे अनवी आ गई अपने स्कूल से और देखो कितनी खुश हो रही है, यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेलती हैं, फिर उसके बाद सुला देती हूँ इनको, सोती हैं फिर उठती हैं, फिर शाम को अपना होमवर्क वगैरह करती हैं और इससे इनको भी आराम मिलता है थोड़ा, सुबह की गई रहती हैं। तो कोई नीचे इस समय आया था तो बता रहे मम्मा कोई आया है गेट खोलना है, तो शायद इनके छोटे वाले चाचू आ गए हैं तो वही बता रही थी कि और यहाँ पे देखो झांकी वगैरह निकल रही है और देखो कितने सब एंजॉय कर रहे हैं राम के आने की खुशी में, कितने यहाँ पे भजन आरती हो रही है। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी आप लोग को और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना। तब तक के